Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश और जहाँ तक जायदाद की बात है तो समर को जो भी मिलना है उसके नाना से मिलना है। इस जागीर से अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला, नौलखा भी नहीं। अगर मेरी उससे शादी ना हुई होती तो शायद मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। बहरीन, मैं आई रियली डोंट अंडरस्टैंड तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया है उससे शादी करवा के। तहरीन को कॉल करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ उसे वापस बुलाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा। सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगा तुम उसको बच्चे का बताओगी और वहाँ दौड़े चली आएगी? आप मेरी बात समझिए, अगर हम खुला का केस दायर करते हैं तो हमें सब कुछ वापस देना पड़ेगा, और अगर तलाक वहाँ से आती है तो हम किसी चीज के देनदार नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि सबसे ज्यादा तहरीन इसमें अजियत भुगत रही है। हाँ, अजियत में तो है, तो नौलखा देके जान छुड़ा ले, क्यों लटका रखा है मामले को? मुझे आपसे अकीदत की हद तक मोहब्बत है, नौलखा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकर आऊंगा मैं तहरीम से नौलखा, फिर देखूंगा कि तुम पहनती हो या नहीं। क्या बात है जैन, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बस कुछ सर दर्द हो रहा था। मैं दबा देती थी। नहीं नहीं, तुम रहने दो, वो दवाई ले ली थी मैंने, अभी कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ काम था क्या? जी, बेबी की कुछ चीजें लेनी है, शहर जाना है मुझे। अच्छा, कल चले जाएंगे। नहीं कुछ नहीं। क्या सोच रहे हैं बताएं मुझे। शफक तो मेरे साथ शहर नहीं जा सकती, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, तुम आराम करो। लेकिन जैन, मैं जाना चाहती हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि हम दोनों साथ जाके अपने बच्चे की शॉपिंग करें। शफक तुम मेरी बात को समझो, तुम नहीं जा सकती ना मेरे साथ। तो मैं जो भी कुछ मंगवाना है मुझे लिस्ट बना दो, मैं ला दूंगा। ओके जी। कैसे पता गर्ल है? तुम्हें कैसे पता कि बॉय है? Well, मैं माँ हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है। अच्छा मेरी जान, तुम्हें सब कुछ पता है बस। ठीक है। और क्या चाहिए? तो ये और एक वाइट। हाँ। और अब थोड़ी सी एक्सेसरीज ले ले। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कर दो, सब देख रहे हैं। देखने दो।
चलें फिर एक्सेसरीज लें। हाँ, श्योर। तुम्हें पता है ना तुम्हारा बहुत खर्चा होने वाला है आज। करवा लो। हेलो, क्या हुआ जैन? इतनी देर कर दी आपने, शॉपिंग हो गई? नहीं, मैं कुछ नहीं ले सका। सब ठीक है ना? हाँ, मैं बस वापस आ रहा हूँ। दाफिस। पापा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी? मेरा मतलब है, इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए अब छोटा पड़ने लगा है? नहीं मम्मी, छोटा नहीं पड़ता, लेकिन लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे अपना घर बनाना है ना, तो अभी क्यों नहीं? बेटा ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त फैक्ट्री के हिस्से बखरे करना, उससे फैक्ट्री की साख को नुकसान पहुंचेगा। हाँ तो आप फैक्ट्री के हिस्से मत करें ना, मेरे हिस्से की मुझे रकम दे दीजिए, मैं फैक्ट्री से 10 बरदार हो जाऊं। बेटे पर हमारे पास जो कुछ भी है, जो है हमारा, वो सब तुम दोनों बहन भाइयों का ही तो है ना, और किसका है? और बेटा बात यह है कि इस वक्त मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यकमुश्त तुम्हें पेमेंट कर सकूं। देख लें पापा, क्या बोलूं आपको, इतना जान लीजिए कि मुझे जरूरत है इसकी। अच्छा एक मिनट, तुम ये बताओ कि घर क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहा हूँ क्या मतलब? रेंट आउट करूँगा, कुछ आमदनी होगी, बाद की बात में देखी जाएगी, बस इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पापा आप देख लेंगे ना? सब कुरतुलैन का किया धरा है, नहीं तो मेरा बेटा हमारे सामने इस तरह से नहीं बात कर सकता। लेकिन अब तुम कुरतुलैन से जाकर ये बात करके एक नई सास बहू की कहानी ना शुरू कर। प्लीज सज्जाद, क्या हो गया आपको? पहले कभी ऐसा हुआ है? 3 साल हो गए उस लड़की को इस घर में आए, कभी ऐसी कोई बात हुई? मैं तो इस सोच में पड़ गई हूँ कि ये अचानक हमारे बेटे को घर बनाने की क्या सोची, और आपको क्या हुआ था? बजाय बेटे से पूछगछ करने के, वजह पूछने के, पैसे ना होने का रोना लेके बैठ गए। अजीब नई टेंशन शुरू हो गई घर में। जैन से कोई बात हुई है फिर? नहीं कोई बात नहीं हुई। अगर एक बात बोलूं तो माइंड तो नहीं करोगे? मिला झिझक पूछ लो। अब मैं कोई बात नहीं माइंड करती, बड़ी ढीठ हो गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दिल के अंदर जैन के लिए अभी भी एक सॉफ्ट स्पॉट है। हाँ है, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है मैंने उसके साथ, बहुत बहुत सारी चेरिशेबल मेमोरीज हैं हमारी। अगर वो तुम्हें बुलाएगा तो क्या तुम वापस चली जाओगी? मैं जानती हूँ वो नहीं बुलाएगा। तरीन तुम्हें जाना चाहिए उसके पास, तुम ये डबल लाइफ नहीं जी पाओगी। जानती हूँ। खैर, मैंने सुना है न्यूयॉर्क से कोई टीम आ रही है नए असाइनमेंट के लिए। हाँ देखते हैं यहाँ कौन काम करता है उनके साथ। चलो तुम तो ज्वाइन करोगी ना, तुम्हें फील्ड वर्क पसंद है। ज्वाइन कर लूंगी अगर कोई इंटरेस्टिंग लीडर हो, कोई बॉसी वाला है तो मैं नहीं काम कर सकती उनके साथ। क्योंकि तुम खुद जो इतनी बॉसी, काम करो तुम। देखा, ये कौन आया हुआ है? जैन भाई आए हुए। अच्छा मैं पीछे से कमरे में जा रही हूँ।
آپ دیکھیے مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے. اس مسئلے کا حل صرف طلاق ہے پر علی. اور وہ میں کبھی نہیں دوں گا. اگر بیٹی کو گھر ہی بٹھانا تھا تو خلا واپس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو. آپ تو خاموشی رہی نور جہاں. یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے. یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے. میں کیسے نہ بولوں اور کیوں نہ بولوں؟ بیٹا جس کی اپنی بیٹی سے شادی کر دی, اس لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا. آپا ہم یہاں گڑے مردے اکھاڑے نہیں آئے, آپ تحریم کو بلائیے. تحریم گھر پر نہیں, اگر وہ ہوتی بھی تو آپ لوگوں کے سامنے آج کبھی بھی نہ بلاتی. وہ بیوی ہے میری, آپ اسے مجھ سے ملنے سے کیسے روک سکتی؟ او بیوی, آج بیوی یاد آ گئی. اس وقت تمہاری یادداشت چلی گئی تھی کہیں جب دوسری شادی کر رہے تھے. آپا آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا گھر برباد ہو؟ خدا کا خوف کرو اکبر علی, میں ماں ہوں, اپنی بیٹی کا گھر کیسے اجاڑ سکتی ہوں؟ ممتاز, یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ لوگ مصالحت کے لیے آئے ہیں. ہاں تو کر لیں مصالحت, میری پھر ایک ہی شرط ہے. اور وہ کیا ہے؟ شفق و طلاق. پاگل ہو گئے کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شکر کرو نور جہاں پاگل ہی نہیں ہو گئی, ورنہ آج گیٹ کے اندر بھی داخل نہ ہونے دیتی آپ لوگوں کو. زبان سنبھال کے بات کرو. تمہاری بیٹی محروم تھی, شفق اس خاندان کو وارث دے گی, اور تحریم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ اتنی بدتمیز اور خود غرض لڑکی ہے. یہ تو میرے بیٹے کا ہی ظرف ہے جو اسے پھر سے رکھنے کو تیار ہے, ورنہ ایسی لڑکی کو کون رکھتا ہے؟ دو دن بھی نہیں رکھتا کوئی. پلیز بڑی امی, پھپھو, نہ میں تحریم کو طلاق دوں گا اور نہ شفق کو دوں گا. کہاں ہے تحریم؟ میں لے کر آتا ہوں. یہیں کھڑے رہو. تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو بے اولادی کے تانے دیے جا رہے ہیں اور تم کھڑے آرام سے سن رہے ہو. تمہاری وجہ سے میری بیٹی آج اس نہج کو پہنچی. تم نے جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا. پاپا خدا کا واسطہ, زین نے جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ نہیں کیا ہے. اس کو آج بھی بہت ملال ہے اس بات کا. یہ تو آپ کی بیٹی نے اس کی محبت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے زین, اگر تمہیں تحریم سے اتنی محبت ہے تو اس محبت کا ابھی اور آج ثبوت دو. شفق کو طلاق دو. پھپھو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے, وہ ناممکن ہے. تو آج آپ لوگ آئے کس وجہ سے یہاں پر؟ اپنی بے عزتی کروانے کا شوق تھا ہمیں, اس لیے آئے تھے. ممتاز, تم نے اپنی بیٹی کو بسانا ہے یا نہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کے ہماری بیٹی کو بے اولادی کے تانے دیے جا رہے ہیں اور میں خاموش رہوں؟ کس قدر کے بے شرم و بد لحاظ لوگ ہیں. تو آپ نے کون سے لحاظ کیا ہے؟ ایک نو لکھی کی خاطر اتنا شور مچا رکھا ہے. فور گاڈ سیک, آپ تحریم کو بلائیں, زیادہ تماشا نہ بچائیں. تحریم یہاں نہیں آئی. میں بھی اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ تحریم کی وجہ سے نہیں, نولکھا کی خاطر یہاں پر آئیں. اور نولکھا تو میں کسی صورت نہیں جانے دوں گی. ہاں تو ٹھیک ہے پھر, نہیں لے کر جا رہا میں تحریم کو. بیٹی ہے نا آپ کی, گھر پر سنبھال کے رکھیں اسے. نولکھا ہمارا ہے, ہمارے ساتھ ہی جائے گا. نولکھا تو تم لوگوں میں سے کوئی مر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا. خدا کے لیے بس کر دو ممتاز. خدا کا خوف مجھے نہیں, ان لوگوں کو دلائیے. بلکہ اکبر علی, آج ایک کام کیجیے, آپ مجھ پر اور میری بیٹی پر نولکھا ہتیانے کا کیس دائر کر دیجیے, پھر میں آپ کے بیٹے کو جیل کی ہوا کھلواؤں. اچھا تو آپ ہیں سارے قصے کی خالق. مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. چلیں بابا, نولکھا تو میں لے کر ہی رہوں گا اور ان کی بیٹی کا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گا.
चले जाइए, आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। नूर जहां बेगम, याद रखिएगा आप भी, इस खानदान को भी वारिस कभी नहीं मिलेगा। मुबारक हो मुमताज, तुमने आज अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। सब्र करने की कोशिश करूं अब नहीं होता। पहले तो मैं किसी ना किसी तरह से सह गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपने पोता पोती को खिलाने की ख्वाहिश लेके मैं इस दुनिया ही से रुखसत हो जाऊंगा। और आप इतने मायूस मत हो, अल्लाह जल्दी हमें औलाद दे देगा। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में औलाद है ही, अगर होनी होती तो तहरीम से हो जाती। यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, सोच भी नहीं सकती थी कि जैन अली मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेगा। कोई इतना भी बदल सकता है? हद हो गई, शादी को जैसे मजाक ही बना लिया सबने। और तुम बड़ी हमदर्द बन रही थी उसकी, देख लिया किस तरह ट्रीट किया उसने हम सबको। उसने तो साफ कह दिया वो नौलखा लेने आया था इसे। नहीं, मैंने तो कहा भी था कि उसे सबक सिखाना चाहिए। दो चार दिन कोर्ट कचहरी करता, खुद ही अकल ठिकाने आ जाती उसके। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो हुआ इन लोगों के साथ, इससे भी बुरा होना चाहिए। जब बेटी के साथ इस तरह करेंगे तो ऐसा ही होगा। तहरीन पे तो लगता है हवेली वालों ने जादू कर दिया है, ना समझती है ना समझेगी वो। बस कर दो तुम, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है तहरीन के किस्से से। वेल कैसी बातें कर रही हो, तहरीम तो जज्बाती हो रही है, हमें कम अज कम होशो हवास से काम लेना चाहिए। अच्छा, अब हम कर भी क्या सकते हैं पापा? अच्छा भला केस किया था, उसकी भलाई के लिए था ना। वो सब ठीक है, लेकिन अब जल्द अज जल्द हमें इस मामले का कोई हल निकालना होगा। एक ही हल है इस मसले का, जो ये लड़की मानेगी नहीं। देखो मैं उससे बात करता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि हमें हवेली जाके तो शफक से अफसोस करना चाहिए, अगर वो लोग इंसानियत भूल गए हैं कम से कम हमें तो उसे याद रखना चाहिए। मुझसे ये दिखावा नहीं होगा। मम्मी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन कुछ ना सही कम से कम फोन पे तो बात करनी होगी ना। ठीक कह रही हो बेटा, मुझमें इतना जर्फ नहीं है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भुला सकूं। मेरी बेटी की हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ के रख दी, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ भूल जाऊं? मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन लोगों को। मम्मी आप, और ना ही कभी नौलखा वापस करूंगी।
बस ये बाबा दवाई बाबा प्लीज आप हिम्मत करें, इस तरह तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या करूं बेटा, जिंदगी में और क्या बाकी रह गया? अल्लाह की मर्जी इसी में थी बाबा। जानता हूं बेटा, मैं जितना भी सब्र करने की कोशिश करूं अब नहीं होता। पहले तो मैं किसी ना किसी तरह से सह गया था, अब ऐसा लगता है कि अपने पोता पोती को खिलाने की ख्वाहिश लेके मैं इस दुनिया ही से रुखसत हो जाऊंगा। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको और लंबी जिंदगी दे और आप देखिएगा आप अपने पोता पोती जरूर खिलाएंगे। बाबा आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। तुम बहुत हिम्मत वाले हो जैन, इससे पहले भी इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर अब ये, तुमने बहुत सब्र से काम लिया। मुझे छोड़ें बाबा, मेरा क्या है, मुझे तो आदत ही हो गई है सबके। अच्छा ही है मेरे लिए। अगर तुमको दुख तो हुआ होगा। दुख? बाज़ दफा तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझे दुख किस बात का ज्यादा हुआ। खैर आप छोड़े ना बाबा इन बातों को, आप बहुत हिम्मत वाले हैं और ये सब बातें तो जिंदगी का हिस्सा है। आप इतनी सी बात पर बिस्तर पकड़कर बैठ गए। शायद उम्र का तकाजा है बेटा। कोई तकाजा बकाजा नहीं, आप देखिएगा बहुत जल्दी दादा बन जाएंगे और अपने पोता पोती सब खिलाएंगे। आपको ठीक होना ही पड़ेगा बाबा। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, शफक का ख्याल रखो। सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी का हुआ है ना। ये लो बेटा शफक, तुम्हारे लिए देसी चूजे की यखनी लाई हूँ, गरम गरम है, पी लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। अरे मेरी जान, ऐसे तो कमजोरी हो जाएगी ना, उठो शाबाश। तहरीम ने फोन किया। वो क्यों फोन करने लगी? अम्मी को जब से वो घर में आई थी सब कुछ उल्टा हो रहा था, जैसे दुखों और परेशानियों ने तो इस घर का रास्ता ही देख लिया। अब तो वो इस घर से जा चुके हैं ना। तो भूल रही हैं आप अम्मी, उसके साथ भी कम बुरा नहीं हुआ। जो भी कुछ बुरा हुआ वो उसकी किस्मत थी, हमने कुछ नहीं किया। हम सबने उसके साथ बहुत ज्यादती की अम्मी। कैसी ज्यादती की भाई, जब वो यहाँ रहती थी जैसे चाहती थी रहती थी, उसे कोई टोकता नहीं था, रोकता नहीं था। यहाँ तक कि जब वो समर को इस घर में लाई हमने तो उसे भी कबूल कर लिया। लेकिन अगर अब वो अपनी माँ के लालच और जिद की वजह से घर जा बैठी है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। लालच तो मेरी माँ को भी है, तो क्या मुझे भी निकाल दे जैन अली घर से? कैसी फजूल बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारा और तहरीम का क्या मुकाबला? सही कह रही हैं, मेरा और तहरीम का क्या मुकाबला? इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने शौहर के दिन में और मैं। खैर छोड़ो ये सब बातें, इस वक्त जैन अली बहुत दुखी है, तुम उसका ख्याल करो, उसकी दिलजोई करो बस। देखो मर्द के दिल में सिर्फ वही बीवी रहती है जो बुरे वक्त में उसका साथ दे, उसका एहसास करे। सब कहने की बातें अम्मी,
कहने की बात नहीं है, ये अकल की बात है। देखो, तहरीम ज़ैन अली को उस वक्त तक याद आती रहेगी जब तक तुम उसे याद आने दोगी। तुम उस पर अपना हक जताया करो, उसे एहसास दिलाया करो मोहब्बत का, और ये सोचकर कि वो नाराज़ हो जाएगा या बुरा मान जाएगा, अपने दिल की बातें दिल में मत रखा करो, बता दिया करो सब कुछ उसे। कोशिश तो करती हूँ मैं। कोशिश करती रहो और इतने फासले मत आने दो कि उसे तहरीन याद आने लगे। बस ये बात याद रखना कि अब वो सिर्फ तुम्हारा शौहर है, उसे अपना बना के रखना भी तुम्हारा ही काम है। समझी मेरी बात? चलो उठो, शाबाश, अब पी लो यखनी, देखो ठंडी हो रही है। मुझे शफक को कॉल करके अफसोस करना चाहिए? अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा ना शफक कि खाली गोद कितनी तकलीफ दे होती है। तुम तो फिर मां बन जाओगी, मगर मैं मुझे बता दें क्या क्या रखना है, मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। आपकी छुट्टियां बढ़ नहीं सकती? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम बाबा का ख्याल रखना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में चक्कर लगा लूं। ख्याल रखूंगी छोटे अब्बू का, आपकी फिक्र लगी रहेगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कौन सा ये सब मेरे साथ पहली दफा हो रहा है? माफ कर दें आप मुझे। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आपको तो यही लगता है ना कि मेरी गलती थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा ही लगता है आपको, इसीलिए तो मेरे साथ बात नहीं कर रहे। क्या बात करूं? कुछ भी जहन, बात करने से की बात बनती है। आप इतने मायूस मत हो, अल्लाह जल्दी हमें औलाद दे देगा। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में औलाद है ही नहीं, अगर होती तो तहरीम से ही हो जाती। मैं खामखा किस्मत से लड़ने खड़ा हो गया था, तो फिर तो यही होना था। तुम अपना ख्याल रखना। इश्क ही दर्द, इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह, इश्क कलंदर शाह। जितना पैसा तुमने लगाना था ज़ैन अली के घर पे लगा दिया, खत्म। अब मुझसे क्यों मांग रहे हो? इस तरह तो मैं भी कह सकता हूं कि आपने न सिर्फ अपना पैसा, मेरा पैसा, बल्कि मरहूम भाई साहब का पैसा भी अपनी बेटी पे लगा दिया। मैं बस ये चाहती हूँ कि कुरुतलैन सबर को मेरे सामने मत लाया। कैसी बातें कर रही हो? ये घर उसका है, वो जहाँ जी चाहे जाएगी, जैसे दिल चाहे अपने बच्चे के साथ इस घर में खेलेगी। यार लाठी इश्क आतिश, यार लाठी इश्क आतिश। ये क्या, ये रकम तो पूरी नहीं है।
پچھلے کچھ مہینوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ گھر کے اخراجات کے لیے رقم گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر کے اخراجات کے لیے اتنی ہی رقم ملے گی، مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خرچے کم کریں۔ خرچے کبھی کم نہیں ہوتے، زیادہ ہی ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی تو سب اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اگر آپ پیسے کم دیں گے تو آپ کو تو خرچے زیادہ لگیں گے۔ سنا نہیں، اب گھر کے خرچے کے لیے اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو۔ ویسے بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے گھر کے اخراجات میں خود دیکھوں گا تاکہ روپے برباد نہ ہو۔ یار، آئی کانٹ بلیو اٹ، اس کا مس کیریج ہو گیا۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تریم، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، ورنہ تم کسی کی تکلیف پر خوش ہونے والے میں سے نہیں ہو۔ نہ ہی مجھے خوشی اور نہ ہی کسی بات کا دکھ ہے۔ یار ایٹ لیسٹ زین سے تو افسوس کر لو۔ زین سے؟ نو وے۔ تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے تمہیں، اس بارے میں سوچو۔ تم زین سے بات کرو، اسے افسوس کرو گی تو شاید اس کا دل نرم پڑ جائے اور کوئی سلوشن نکل آئے۔ میں ایسی زین کی وجہ سے ہو گئی، اسے مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، اسے صرف نولکھا چاہیے، ٹرسٹ می۔ اس نے تم سے محبت کی ہے، محبت ایسے تو نہیں ختم ہو جاتی ہے نا۔ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ضرورت ہر چیز کروا لیتی ہے، اور اسے میں دے بھی کیا سکتی ہوں، تو وہ مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ اولاد میں اسے دے نہیں سکی، ہتھی کوششوں کے باوجود وہ نولکھا حاصل نہیں کر سکا، تو وہ مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ تم اتنی پیسیمسٹک کیوں ہو؟ پیسیمسٹک نہیں ہوں، بس پریکٹیکل ہو گئی۔ زین اور اس کی محبت نے ساری خوش فہمیاں دور کر دی ہیں میری۔ یار تم پلیز، یار کوئی اور بات کریں۔ حماد کے ساتھ نئے پروجیکٹ کا کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے؟ صحیح چل رہا ہے، اصول پسند بندہ ہے، obviously امریکہ سے آیا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو ایڈجسٹ ہونے میں، بٹ ٹو بی آنےسٹ سب لوگ یہاں جو ہے نا ان کے اصولوں سے تھوڑا سا تنگ آ گئے ہیں۔ ہاں پاکستان میں زیادہ لوگوں کو اصول نہیں پسند۔ اکبر علی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے روز روز کا؟ ہے تم اسے روز حساب مانگتے ہو، میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ بھائی صاحب اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے حساب کتاب نہ رکھ کر جو میں نے غلطی کی ہے میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، اور اب اگر آپ کو گھر کے اخراجات بھی چبھنے لگے ہیں تو مجھے تو حساب کتاب مانگنا ہی ہوگا آپ سے۔ دیکھو اکبر، اس گھر کے روز بروز اخراجات بڑھتے جا، اگر میں نے ان کو کم کرنے کو کہہ دیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی، کیا جرم کر دیا میں نے؟ بھائی صاحب گھر کے اخراجات بڑھیں یا کم ہوں، ہمیں کبھی روپے کی تنگی نہیں ہوئی، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ دل تنگ پڑ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زین علی کے گھر پر اب تک کتنے پیسے لگ چکے؟ کیا میں نے تم سے کبھی حساب مانگا؟ زین علی کے گھر پہ جو پیسہ لگا ہے وہ میرا اپنا تھا، اور مجھے کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم نے تو بات ہی ختم کر دی، جتنا پیسہ تم نے لگانا تھا زین علی کے گھر پہ لگا دیا، ختم، اب مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف اپنا پیسہ، میرا پیسہ، بلکہ مرحوم بھائی صاحب کا پیسہ بھی اپنی بیٹی پہ لگا دیا، اور پھر یہ کہوں کہ اپنے اس حق سے دست بردار ہو جائیے تو کیا آپ ہو جائیں گے؟ فضول باتیں مت کرو اکبر، اگر اپنا حصہ چاہیے تو بلاؤ اپنے بیٹے کو جو بڑے کر و فر سے کہتا تھا کہ زمینیں میں سنبھالوں گا، آئے سنبھالے، کیوں چلا گیا وہ؟ حد ہو گئی ہے، ساری محنت میں کروں، ساری خواری میں برداشت کروں، اور تم سب آ جاتے ہو اپنا حصہ مانگنے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے بھائی صاحب، کل سے اپنے حصے کی زمینوں کو میں خود سنبھالوں گا، آپ بس کورٹ کچہری کے معاملات کو دیکھیں۔ اکبر علی تم، اور ایک اور بات، اس گھر کے معاملات کو نور جہاں دیکھتی رہی اور دیکھتی رہیں گی، آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممی پلیز، آپ ہمیں غلط مت سمجھیے گا، لیکن آپ خود سوچیں، سمر تحریم کے ساتھ کچھ عرصے رہا ہے، اسے اٹیچ ہو گیا ہے، اب وہ جس طرح اسے اگنور کرتی ہے اس کے ذہن پہ برا اثر پڑے گا۔ کیا کہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، اس لڑکی کے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں بیٹھتی۔
किस में समर का क्या कसूर? छोटा बच्चा है वो, आखिर वो उससे किस बात का बदला ले रही है? थोड़ा प्यार कर लेगी उससे तो क्या कयामत आ जाएगी। और क्या, कल वो इतना रो रहा था, अभी मेरा दिल बहुत खराब हुआ। जाहिर उसकी माँ हूँ मैं। अच्छा तुम तो दिल बुरा ना करो अपना, मैं फिर समझाऊंगी, समझ जाएगी मेरी बात। मम्मी उसे समझना पड़ेगा, यही हम सबके हक में बेहतर है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। मैंने अपना बेटा तहरीम को देख के बहुत बड़ी गलती की, अब मजीद नहीं करूंगा। अगर उसने यही रवैया बरकरार रखना है तो फिर इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाते। इसीलिए मैंने पापा से हिस्से की बात की थी कि मैं अपने घर में मूव हो जाऊँ। इतने अब नॉर्मल माहौल में कौन अपने बच्चे को पालेगा? अच्छा परेशान मत हो तुम लोग, मैं बात करती हूँ ना, कह दिया ना। बाबा प्लीज स्ट्रेस मत लें, बड़े अबू से मैं खुद आकर बात करूंगा। बेटा मैं कैसे स्ट्रेस ना लूं, रोज बरोज वो हाथ समेटते जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं तुम अपने जॉब से रिजाइन करो, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। बाबा फिक्र मत करें, रिजाइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद भी एक महीने का नोटिस पीरियड तो मुझे सर्व करना होगा, इसलिए मैं फौरन हवेली शिफ्ट नहीं हो सकता। वो तो ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम बात शुरू तो करो। जी बाबा। और सुनो, अब जब तुम एक डेढ़ महीना शहर में हो तो उस शहर वाले घर को भेज दो, क्या करना है उसका, उसे भेज देने में हमारा फायदा है। क्या करती फिर रही हो तुम, क्यों मेरी जिंदगी को मुश्किल में डाल रही हो? अब मैंने क्या किया है अम्मा? कितने आराम से पूछ रही हो तुमने क्या किया? समर को रोता छोड़ के तुम चली गई, उसको गोद में नहीं उठाया, कितनी जालिम क्यों हो गई हो तुम? सही कह रही है, मैं बहुत जालिम हो गई। मेरे लिए समर को देखना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल लगता है, वापस क्यों किया था बच्चा उनको? आखिर आप लोग मेरे साथ चाहते क्या हैं? एक ही दफा बता क्यों नहीं देते? सबको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? कुरतुलैन माँ है उसकी, उससे तुम्हारा ये रवैया उसके बच्चे के साथ बर्दाश्त नहीं होता। लौटा तो दिया है मैंने उसको बच्चा, अब क्या चाहती है वो मुझसे? बैठ के संभाले अबू समर को, मुझसे क्यों दुश्मनी कर रही है? खामोश रहो। खामोश ही हूँ मैं। अच्छा और अगर बोलोगी तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी बदज़बानी से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, इसी ज़बान का नुकसान उठाए बैठी हुई हूँ। देखो तहरीम, घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। What are you saying अम्मा? मैं घर का माहौल खराब कर रही? मेरे साथ बैठ के कोई खाना नहीं खाता है। मैं आती हूँ तो सब एक एक करके चले जाते, मैं आती हूँ तो सब एक एक करके खामोश हो जाते। आपको अपने बेटे और बहू का रवैया नहीं नजर आता? बस कर दो, तुम चाहती क्या हो? कि रुहेल हमें और इस घर को छोड़ के कहीं चला जाए, कहीं और जा बसे, ये चाह रही हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि कुरुतलैन समर को मेरे सामने मत लाया कर। कैसी बातें कर रही हो, ये घर उसका है, वो जहाँ जी चाहे जाएगी, जैसे दिल चाहे अपने बच्चे के साथ इस घर में खेलेगी। मेरा घर, मेरा घर कौन सा है? कोई मुझे क्यों नहीं बता देता कि मेरा घर कौन सा है? तहरीम, तहरीम! यार डाटी इश्क आतिश, आपसे रिश्ता है